नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। यूपीएससी की तरफ से सिविल सर्विस परीक्षा 2020 का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी बिहारवासियों का डंका देखने को मिला। बिहार की पहचान वैसे भी यूपीएससी अभ्यर्थियों की फैक्ट्री के रूप में होती है, जहां से हर साल कई एस्पिरेंट्स अपना सपना साकार तो करते ही हैं, बिहार में भी नाम रोशन करते हैं। ऐसा ही कुछ मंजर इस बार एक बार फिर देखने को मिला है। इतना ही नहीं, इस बार तो बिहार के एक अभ्यर्थी ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ऑल इंडिया में टॉप करने का काम किया है, और वो नाम है शुभम कुमार का। शुभम कुमार मूल रूप से कटिहार जिले के रहने वाले हैं और अपनी सच्ची लगन और मेहनत से उन्होंने इस मुकाम को हासिल कर लिया है। वहीं इस लिस्ट में यानी कि टॉप 10 में बिहार के प्रवीण कुमार और सत्यम गांधी को भी जगह मिली है। प्रवीण कुमार बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं, उन्हें ऑल इंडिया रैंकिंग में 7वां स्थान मिला है। वहीं सत्यम गांधी की बात करें तो सत्यम गांधी समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और सत्यम को इस परीक्षा में 10वां स्थान मिला है। हालांकि टॉप 10 में जगह बनाने वाले बिहार के हर सफल अभ्यर्थी की कहानी बड़ी ही रोचक है। बात अगर हम शुभम कुमार की करें तो शुभम को शिक्षक की एक गलती ने टॉपर बनाने का काम किया है। अपनी सफलता की कहानी शेयर करते हुए शुभम ने कहा कि मैंने अपनी यह सफलता एक दिन में नहीं बल्कि इसके निरंतर प्रयास से प्राप्त की है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं 6ठी क्लास में पढ़ा करता था, मेरे एक सही सवाल को मेरे शिक्षक ने गलत कर दिया और मुझे अपने आप पर विश्वास था कि मैंने सही जवाब दिया है। इसी प्रकरण ने मेरा पूरा मूड बदल दिया। फिर मैंने पटना जाने का फैसला किया, जिसे मेरे पेरेंट्स ने मान ली और वहां से मेरी लाइफ ने टर्न लिया। उसके बाद से आगे की पढ़ाई पटना और दूसरे शहरों में हुई और आज मैं सिविल सर्विस परीक्षा 2020 में टॉप कर पाया। वहीं बात अगर बिहार के प्रवीण कुमार की करें तो प्रवीण बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। वहीं यूपीएससी की परीक्षा में उन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया है। 7वां स्थान प्राप्त करने वाले प्रवीण ने कहा कि बहुत जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी। हालांकि मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन ईश्वर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए थे। बिल्कुल नहीं पता था, बस सोच रहे थे कि कुछ भी रैंक आ जाए। मैंने बहुत मेहनत की थी, हालांकि मेरी तरह तमाम लोग यूपीएससी के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मुझे इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई। इसके बाद अगर हम बात करें ऑल इंडिया टॉप 10 में 10वें स्थान पर आने वाले सत्यम गांधी की, तो सत्यम मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। परिणाम के बारे में खबर सुनते ही उनके पैतृक गांव दिघड़ा में जश्न का माहौल है। बता दें कि यूपीएससी ने आज सिविल सेवा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 761 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। सत्यम गांधी ने राजनीतिक शास्त्र विषय से ग्रेजुएशन किया है। गौरतलब है कि यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन हर एक साल 3 चरणों में किया जाता है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। इन परीक्षाओं के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा सहित कई अन्य सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन होता है। वहीं रैंक के आधार पर ही अभ्यर्थियों का कैडर भी डिसाइड किया जाता है। वहीं सीएम नीतीश ने भी टॉपर शुभम कुमार समेत सभी टॉपरों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।